प्रदेश में यात्रियों को रियायत देने को लेकर रोडवेज मुख्यालय ने सभी रोडवेज आगार को मुख्य रूट पर एक एक बस संचालन करने के निर्देश दिए हैं। नागौर जिले के कुचामन सिटी से भी अलग अलग रूट पर 5 बसों का संचालन शुरू हुआ है। डिडवाना आगार से जयपुर के लिए आई बसों में यात्री भाड़ नहीं के बराबर देखने को मिला, तो वहीं बसों में बैठाने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग भी करवाई गई। कुचामन से कितनी बसें आज शुरू हुई है और लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं? अपने कुचामन से एक बस जयपुर के लिए, एक बस डीडवाना से कुचामन और कुचामन से डीडवाना के 3 चक्कर लगाएगी, एक बस नागौर से जयपुर के लिए। इस तरह अपनी जो है 4 और 5 शेड्यूल यहाँ अभी ऑपरेट कर रहे हैं। अभी लोगों में ये भय है कि भाई यात्रा में जो है अपन को कोई परेशानी हो जाए और हो जाए, इस तरह यात्री बार कुछ कम है। अभी इनको यात्रियों के लिए ये अखबार में सूचना, मीडिया के माध्यम से सूचना सभी लोगों के पास पहुंचेगी, गाड़ियों का संचालन होगा, लोग बाग फिजिकल गाड़ियों को चलते हुए देखेंगे, तब यात्री भार बढ़ जाएगा, उस वक्त गाड़ियां और बढ़ाई जाएंगी। मुख्यालय से ही निर्देश हैं।